हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज किस क्लास में क्लास 11 का प्रश्नावली 11.3 को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, जो हमारा प्रश्नावली 11.3 है, इसको सॉल्व करने से पहले आपको इस एक्सरसाइज में कुछ फार्मूला का यूज होगा, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बिना फार्मूला पढ़े हुए आप डायरेक्ट सोच रहे हो कि कर लेंगे क्वेश्चन को, आपसे बिल्कुल 100% नहीं होगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, इसलिए हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आपको बताएंगे हम फार्मूला। और इसमें फार्मूला मतलब एक नहीं है, लगभग 12 से ज़्यादा ही है और 20 के बीच में है, इतना सारा फार्मूला है। ठीक है, तो याद करना। बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, कठिन लगने लगता है जो हमारा चैप्टर है। सभी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वही बच्चे पढ़ते हैं जो हमारे जिद्दी होते हैं। ठीक है, जिनको पढ़ने का शौक है वही बच्चे पढ़ते हैं, बाकी सारे बच्चे छोड़ देते हैं। ओके, तो ये देखिए, जो हमारा चैप्टर है 11.3, इसका नाम है दीर्घवृत्त इलिप्स। यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, दीर्घवृत्त इलिप्स। तो दीर्घवृत्त में हमको देखिए, इसमें दीर्घवृत्त को दो अक्ष में बांटा गया है, एक दीर्घ अक्ष एक लघु अक्ष। तो दोनों अक्ष को देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाते हैं फिगर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो फिग यहाँ पर देखिए, एक ए वाला है और एक ए वाला है। ये जो फिगर बन रहा है, जब हमारा ए का मान बी से बड़ा होगा तो ए वाला फिगर बनेगा, और जब ए का मान बी से छोटा बनेगा तो ए वाला फिगर बनेगा। तो इसके बारे में अभी हम आप लोग को अच्छे से बताएंगे। ठीक है, वहीं बोल रहे थे जो बात आप लोग को, कितने बच्चे हमारे सोचते हैं कि डायरेक्ट हम एक्सरसाइज शुरू कर दें, तो ना करें आप लोग। ठीक है, पहले आप लोग जो फार्मूला है आप लोग पढ़िए, इसको समझिए कंसेप्ट को, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, चलिए हम पहले आप लोग को प्रश्नावली 11.3 का जो फार्मूला है उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए, दीर्घवृत्त जिनको इंग्लिश में इलिप्स बोलते हैं, प्रश्नावली 11.3 का क्या होगा, सिर्फ फार्मूला और कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम दीर्घवृत्त यहाँ पर डाल लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्या, दीर्घवृत्त। ओके, तो दीर्घवृत्त में देखिए, दीर्घवृत्त में हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ेंगे, देखिए, पहले तो दीर्घवृत्त को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो देखिए, दीर्घवृत्त के बड़े अक्ष को, क्या बोलते हैं, दीर्घ अक्ष बोलते हैं। ठीक है, एवं छोटे, यहाँ पर लिख देते हैं, छोटे अक्ष को लघु अक्ष कहा जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर, अब दीर्घवृत्त के बारे में क्यों नहीं बताए? तो देखिए, दीर्घवृत्त का भी फिगर हमारा, दीर्घवृत्त का भी फिगर जो होता है ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें हम लोग का डिटेल से पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन हम आप लोग को अभी डिटेल से नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? हमको करना है प्रश्नावली 11.3। तो 11.3 में आप लोग को ऐसा हम कोई ट्रिक लगाकर पढ़ा दें कि आप लोग का सारा फॉर्मूला याद हो जाए और आप लोग का इस एक्सरसाइज को करने में कोई दिक्कत ना भी आए। ओके, अब पूरा हम डिटेल में जाएंगे तब हमारा दीर्घवृत्त का बारे में पढ़ना होगा, अदरवाइज ऐसा कोई चांस नहीं है कि हम आप लोग को 20 से 25 मिनट के वीडियो में सारा कंसेप्ट बता दें। वो वीडियो होगा लगभग 1 आवर्स का, तभी हम पूरा थ्योरी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, दीर्घवृत्त का जो फार्मूला है उसको प्रूव भी करा सकते हैं, लेकिन हम सोचेंगे कि 20 से 25 मिनट का वीडियो बनाए, उसमें आपका पूरा कवर करा दे, बस की बात नहीं है। ठीक है, इसलिए हम पहले ही क्या कर दिए आपको ट्रिक द्वारा, जो कि जितना हो सके हम लोग जल्दी से इस एक्सरसाइज को करने के लिए, जो हमारा फॉर्मूला याद करना है, उस ट्रिक को बताएं और आप लोग आसानी से एक्सरसाइज को कर भी सके। ओके, तो वही बात जो जो यूज है वही बात पढ़ा रहे हैं। तो दीर्घवृत्त में, दीर्घवृत्त के बड़े अक्ष को बोलेंगे दीर्घ अक्ष और छोटे अक्ष को बोलेंगे लघु अक्ष कहेंगे। ठीक है, इसका वर्गीकरण, ठीक है, इसका वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। ठीक है, दो भागों में किया गया है। देखिए, पहला जो है, पहला है कि ए का जो मान होता है बी से बड़ा होता है, दूसरा है ए का जो मान होता है बी से छोटा होता है।
इसी पर पूरा कंसेप्ट है, बात को समझिएगा ठीक है। और दोनों का फॉर्मूला जो बताएंगे आप लोगों को बिल्कुल इजी तरीका से याद करने का एक ट्रिक बताएंगे, ट्रिक नहीं है आप लोग का लिखने का, सिर्फ तरीका बताएंगे कि आप लोग को हमेशा एक याद कर लोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा ठीक है। उस तरीका से बताएंगे ताकि आप लोग को कम समय में ज़्यादा चीज़ का आउटपुट निकले। ओके देखिए, तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाने के लिए आपको सिखाते हैं कैसे पहचानेंगे कि ए वाला इसका फिगर क्या होगा और इसका फिगर क्या होगा। तो पहले आपको हम फिगर बताते हैं ठीक है। तो देखिए ओके, अब यहाँ पर आप जानते हैं कि एक्स, इसको एक्स डैश, इसको वाई, इसको वाई डैश। ओके तो इसमें क्या होता है, जब इस तरह का फिगर दिखे ठीक है, इस तरह का फिगर दिखे तो समझ लीजिएगा कौन सा है आपका, ए का मान जो होगा बी से बड़ा होगा उसका ये फिगर है। ओके और यहाँ पर इसका देखिए ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसका जो फिगर बनता है इस तरह का बनता है ठीक है, इस तरह का फिगर बनता है। कब ऐसा फिगर बनेगा, जब ए का मान बी से, जब ए का मान बी से छोटा हो। ओके जब ए का मान बी से बड़ा हो तो हमारा इस तरह का बनता है ठीक है। बाकी जो काम करना है आपको फॉर्मूला याद करना है ठीक है। और समझने का तरीका कैसे होगा कि ए वाला फिगर बनेगा, ए वाला फिगर बनेगा, आपको ए और बी का मान निकालना पड़ता है ठीक है। अभी आगे सारा चीज़ पढ़ाएंगे, ए और बी का मान निकालना पड़ता है। तो ए का मान मान लीजिए बड़ा आ जाएगा तो समझ लेना कि ए वाला फिगर बनेगा, और बी का मान बड़ा आ जाएगा तो ए वाला फिगर बनेगा। तभी आप लोगों को सारा चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए ठीक है। सारा कंसेप्ट सारा फॉर्मूला आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से बताने वाले हैं, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा ठीक है। क्या करते हैं ना कि एक फिगर बनाते हैं, फिगर नहीं एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में ही इन दोनों फॉर्मूला का आप लोग याद कराएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, कितना भी आप कोशिश कर लोगे ना आपको जल्दी फार्मूला याद नहीं होता है, लेकिन जो हम बता रहे हैं तरीका उससे आप जल्दी याद कर लोगे, मैं गारंटी कर रहा हूँ ठीक है। देखिए क्या करना है, हम बॉक्स बना रहे हैं तीन, यहाँ पर तीन बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स ए हो गया, एक बॉक्स ए, देखो तीन बॉक्स बन गया। अब तीनों बॉक्स में क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक खींचते हैं लाइन, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं स्टैंडर्ड फिगर, फिगर कौन सा होगा ए वाला और ए वाला। तो इसमें चलते हैं, जो हमारा ए का मान बी से बड़ा है उसका फिगर कौन सा फिगर बनेगा, आपको पता है ए वाला, तो यहाँ पर फिगर बना लीजिए ठीक है। और एक बार ए का मान जो है बी से छोटा है तो इसका फिगर क्या बनेगा, आपको पता है ए वाला बना दीजिए, देखिए ए वाला फिगर बनेगा। ओके चलिए फार्मूला देखिए आपका, इसमें हम सूत्र लिखेंगे ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन रहेगा। जैसे पहला बनता है इसका ठीक है, पहले तो इसका इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन पढ़ना बहुत जरूरी है कि इस तरह का जब हमारा ग्राफ बन रहा है ठीक है, फिगर बन रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, अब इसका इक्वेशन क्या होगा, मतलब कि ए का मान जब बी से, ए का मान बी से जब बड़ा होगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, और जब ए का मान बी से छोटा होगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा ठीक है। तो स्टैंडर्ड समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो चाहे समीकरण लिखो, बातें कहीं हिंदी मीडियम से हैं तो समीकरण, तो क्या हो जाएगा इसका समीकरण, देखिए इसका समीकरण होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर एक होता है ठीक है। जब हमारा ए का मान बी से बड़ा होगा तब हमारा ए हमारा समीकरण बनेगा, और जब ए का मान बी से छोटा हो इसका समीकरण बनता है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर एक। दोनों का समीकरण याद करना बहुत ईजी है, बस आप लोग इसका याद करते जाओ, इसका उल्टा कर दो बस उसका वो भी समीकरण याद हो जाएगा। बस आप लोग से यही कहेंगे बस आप इसको याद करिए, जस्ट इसका अमेजिंग कर दीजिए, इसका उल्टा देखिए आपका, जब ए स्क्वायर यहाँ था तब ए स्क्वायर यहाँ हो रहा है, बी स्क्वायर यहाँ था बी स्क्वायर यहाँ हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है, सारे फॉर्मूला में ऐसा ही होगा। ओके तो बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो जब हमारा ए का मान बी से बड़ा हो तो हमारा ए समीकरण बनेगा, जब ए का मान बी से छोटा हो तो ए समीकरण बनेगा, याद हो गया। अब चलिए अब आपका केंद्र आता है, केंद्र किसका, केंद्र क्या होगा, केंद्र पहले इसका सीखेंगे। तो इसका जो केंद्र होता है जीरो कोमा जीरो होता है, और इसका भी केंद्र क्या होता है जीरो कोमा जीरो होता है, याद रहेगा
सभी लोग क्या रहेगा ना, अपने कॉपी पर इसका एक नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बना करके ठीक है अपने जहाँ भी पढ़ते होंगे अपने रूम में इसको चिपका दीजिएगा, अपने आप 2-4 दिन देखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, पहले लिखना सीखो। ओके आ जाओ आइए, तो अब केंद्र हो गया, अब हम इसका देखते हैं क्या बोलते हैं नियता का समीकरण देखे है? नहीं, पहले आ जाओ इसका दीर्घ एक्स अक्ष का समीकरण। ठीक है, दीर्घ एक्स अक्ष का समीकरण, दीर्घ एक्स अक्ष का समीकरण होता है इसमें वाई बराबर जीरो और इसमें क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो एक्स बराबर जीरो, यही तो है, एक याद रहेगा दूसरा अपने आप लिखा जाएगा। ठीक है, अब दीर्घ एक्स अक्ष का समीकरण हो गया, अब हम लघु लघु क्या करें, दीर्घ एक्स अक्ष का समीकरण तो हमने लिख दिया। ओके, अब इसमें ही एक दीर्घ वाला है, क्या है दीर्घ वाला, दीर्घ एक्स अक्ष की लंबाई होता है, हाँ दीर्घ एक्स अक्ष की लंबाई, दीर्घ एक्स अक्ष का लंबाई का भी क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो आप लोग कैसे बताओगे, देखो दीर्घ एक्स अक्ष की लंबाई हो जाएगा हमारा, इसका होता है 2a और इसका होता है 2a हो रहा है तो इसमें 2b हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, अब चलिए बस उल्टा तो होते जा रहा है, बस आप लोग इसको याद रखिएगा या अपने आप याद हो जाएगा। अब दीर्घ का हो गया, अब हम लघु में चलते हैं। ठीक है, लघु मतलब छोटा, लघु लघु एक्स में चलें कि वाई में, अच्छा एक्स का तो हो गया, लघु वाई में चलते हैं, लघु वाई अक्ष की समीकरण, लघु वाई अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स बराबर जीरो, इसका उल्टा कर दो वाई बराबर जीरो। ओके, अब चलिए उसके बाद लघु वाई अक्ष की समीकरण हो गया, तब इसका लंबाई भी ज्ञात करना होगा, तो लघु वाई अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगा, लघु वाई अक्ष की लंबाई हो जाएगा ए टू बी, तो ये हो जाएगा 2a, याद हो गया। अब चलिए लघु वाई अक्ष की लंबाई निकाल लिए, उसके बाद आएगा उत्केंद्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में पूछेगा, ये सारा नहीं पूछ सकता है लेकिन उत्केंद्रता हमेशा पूछता है। ठीक है, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता क्या होगा, इसके लिए, इसके लिए होता है e बराबर रूट अंदर 1 - b² / a² और इसके लिए होता है e इक्वल टू रूट अंदर 1 - a² / b² बस उल्टा तो होता है और इसमें कुछ नहीं, यहाँ पर b² / a² हो रहा है तो यहाँ पर a² / b² हो रहा है, फर्क कुछ नहीं है। ओके, आपको सीधा सी बातें बता दिए कि उल्टा है, इसलिए हम साथ में लिखकर बता रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, नहीं तो दूसरा तरीका से बता दें तो मतलब आप लोग कन्फ्यूज होते हैं। ओके, अब इसका शीर्ष देख लेते हैं, शीर्ष क्या होगा, इसका शीर्ष होता है एक्स बराबर +-1, 0 और इसका होता है वाई बराबर ये होता है 0 + -b होता है, बस इसका उल्टा तो कर देना और कुछ नहीं। ओके, अब चलिए ये शीर्ष हो गया, अब क्या बच रहा है, अब आपका बच रहा है नाभि लंब। ठीक है, नाभि लंब, तो नाभि लंब होता है इसके लिए 2b² / a² और इसका उल्टा कर दीजिए 2a² / b². ओके, उसके बाद आता है नियता का समीकरण और ये लास्ट होगा। ठीक है, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण क्या होगा, x बराबर +-a/a और इसका हो जाएगा x बराबर, इसका y बराबर हो जाएगा y बराबर +-b/e। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये फॉर्मूला लिखने आ गया होगा। ठीक है, लिखने से नहीं होगा, बस आप लोग को इसको याद करना होगा, a बड़ा b ओ से, बस आप लोग को इसको याद कर लीजिएगा कि a जब बड़ा होगा b से तो इसका समीकरण ये होता है, केंद्र ये होता है, दीर्घ अक्ष का समीकरण ये होता है, लघु अक्ष ये होता है, उत्केंद्रता ये होता है, शीर्ष ये होता है, नाभिलंब नियता का समीकरण, इसको याद कर लीजिएगा, अपने आप इसको याद हो जाएगा, इसको आप लोग रटिएगा मत। एक बात बता दें आप लोग से, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, बस आप लोग इसको समझिएगा। ठीक है, और जहां आप लोग पढ़ते हैं वहां पर अच्छे से इसको लिख करके अपने एक पेज पर उसको चिपका दीजिए, चिपका करके बार बार इसको देखिएगा ना, तो अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, जिस तरह से इलिप्स पढ़े अभी, ठीक है, जिस तरह से आप इलिप्स पढ़े, दिख रहा है ना, जिस तरह से इलिप्स पढ़े उसी तरह से अभी हाइपर बोला है। ठीक है, तो इस तरीका से उसको भी बताएंगे याद करने का तरीका। ठीक है, और इससे आसान अब कोई तरीका नहीं है। ठीक है, बस आप लोग को एक याद करना है और इसको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा।
और पहचानने आना चाहिए कि कब हमारा ए वाला फिगर होगा, कब हमारा ए वाला होगा। तो सीधा सी बात है, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, जब ए का मान बड़ा होगा तो ए वाला, जब बी का मान बड़ा होगा तो ए वाला। जैसे आपका क्वेश्चन दिया रहता है, देखिए दिखाते हैं क्वेश्चन, कि एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 बराबर 1 है। तो देखो तो इसमें ए का मान किसका बड़ा है, इसका बड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल इसका बड़ा है ना, इसका बड़ा, इसका बड़ा है तो हमारा ए वाला फिगर बनेगा। और एक ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि यहाँ पर जो ए है, ए का मान छोटा कर देगा, जैसे यहाँ पर 9, यहाँ पर 16 कर देगा, समझ जाना कि अभी वाला फिगर ए बनेगा। यही फ़र्क है, कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। जब आप एक्सरसाइज करोगे ना, पर्सनली 11.3 देखो, पर्सनली 11.3 जब करोगे तो यही आपका यूज आएगा, यही सब फार्मूला यूज आएगा। यदि आपका कंप्लीट है तो ये हमारे लिए कुछ नहीं है, जीरो है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो आई होप कि आप लोग को सारा फार्मूला याद हो जाएगा कल तक, ठीक है, और कल इसका वीडियो अपलोड कर देंगे 11.3 का। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।